और क्या हाल चाल है भाई लोगों। तो आज का गेम प्ले काफ़ी खास होने वाला है, तो यहाँ पे देखना है यहाँ पर लैंडिंग में क्या ही ग्लिच होता है। मैं उतरता हूँ नीचे साइड और यहाँ पे वो पहुँच जाता है इंसेंट टेम्पल के ऊपर। देखना मैं पहुँचा था नीचे आ गया ऊपर, तो क्या ही ग्लिच था। तो यहाँ पर मुझे एक शॉर्ट गन मिल जाती है जो SK-12, और मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि वो जो SK-12 मैंने उठाई है उसमें से भाई साहब मैंने एमओ उठाना भूल गया, और मैं सीधे ऊपर रश करने चले जाता हूँ ऊपर वाली स्क्वाड पे। तो इस बंदे को नॉक करने के बाद देखता हूँ कि इसका दूसरा बंदा सीधे रस करता है, और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरे पास एमओ बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों इंसेंट टेम्पल में लूट के नाम पे मुझे कुछ भी नहीं मिलता है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं मिनी उठा के सीधे इस बंदे पे जाता हूँ जो ऊपर वाले बंदे को नॉक कर रहा होता है। तो यहाँ पे इस बंदे को मैं काफ़ी ईजिली नॉक कर देता हूँ, और इसका टीममेट पीछे पड़ जाता है मेरे काफ़ी गंदा। वो तो अच्छा हो भाई साहब मिनी में थोड़ी एमओ बाकी थी, अगर ये एमओ बाकी नहीं होती तो भाई साहब इन बंदों की तरह मैं भी लॉबी पहुँच जाता, पर ये बंदों को अभी लॉबी बचाना थोड़ा बाकी था। तो यहाँ पे मैं एक नेट करता हूँ ऊपर की तरफ, पर भाई साहब सस्ता नेट और सस्ता गेम प्ले वाली बात चल रही है यहाँ पे, तो नेट बिल्कुल भी काम नहीं करता है। यहाँ पे एक बंदा लूट रहा होता तो उसे भाई साहब मिनी मार, तो मैं चेक करता हूँ मैं मिनी में एमओ ख़त्म, ना मेरे पास हेल्थ है ना एमओ है ना कुछ, भाई साहब कुछ कतई नंगा घूम रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे एक पिस्तल मिल जाती है भाई साहब, तो उस बंदे को मैंने क्या ही पिस्तल से मार कर अपना किल फिनिश करा था भाई साहब, ऊपर वाले ने जो मारा भाई साहब किल चोरी कर दिया भाई साहब, तो मुझे काफ़ी गुस्सा आता है यहाँ पे इसने मेरा किल चोरी कर दिया। तो मैं एक मॉली लेके जाता हूँ कि भाई साहब उसके सर में ही मारूंगा सीधे, तो सीधे लॉबी पहुँचेगा। तो यहाँ पे भाई साहब सस्ता मॉली था भाई साहब, पता भी नहीं था कि बंदा ऊपर है या नहीं है, तो बंदे को कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा लूट करने लग जाता हूँ कि भाई साहब कुछ लूट वूट मिल जाए। तो यहाँ पे भाई साहब कन्नों के अंदर से भी एमओ चूस के भाई साहब बंदे क्या ही कर रहे हैं मतलब। तो यहाँ पे मुझे एक भाई साहब म्यूटेंट या मूतान जो भी कह सकते हो उस गन को, वो मिल जाते हैं। ये मिलने के बाद सब भाई मैं सीधे रश कर देता हूँ, और मेरी हेल्थ देख रहे हो यहाँ पे, तो भाई साहब ये आसमान की ऊंचाई में पता नहीं किसे नॉक कर रहा था, और बारी इसके टीममेट की, और इसे भाई साहब फिनिश कर दूंगा मैं। अब भाई साहब हेल्थ देख रहे हो मेरी हेल्थ यहाँ पे भाई साहब कदर 20 या 30 HP होगी। तो भाई साहब इतने में खुले से आ रहा था, तो भाई साहब म्यूटेंट के मैंने भर दिए इसके एकदम दबा के एमओ। तो यहाँ पे मैं DP उठा लेता हूँ भाई साहब, DP उठाने के बाद यहाँ पे इसे धुआं भरेंगे। अब ये जंप नहीं भाई धुआं, तो यहाँ पे इसका धुआं भर दिया, ये वाली टीम तो हो गई भाई ख़त्म। अब बारी थी भाई साहब जिन्हें मैंने नीचे नॉक करा था वो रिवाइव हो गई, उनकी बारी है, अब उनका धुआं बनाएंगे, देखते हैं कैसे भरते हैं। तो यहाँ पे एक बंदा काफ़ी सीधे आ ही रहा था भाई साहब इसे नॉक करने का, मैं फिनिश भी कर देता हूँ। इसके बाद जब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कोई बंदे बचे नहीं है भाई साहब, इसकी टीममेट भी पता नहीं क्या ही उतरे थे यहाँ पे, यहाँ पे दो टीम उतरी थी बस, दो टीम के पास मतलब आधी आधी टीम थी, पूरे 4-4 मेंबर नहीं थे उनके। यहाँ पे इंसेंट टेम्पल के अंदर भाई साहब ये जो भी मिडूसा उडूसा है, तो इसे मार के हम सीधे यहाँ से अब गन ले लेंगे और सीधे बंदों पे रस करने चले जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले भाई मैं उठाता हूँ ग्रोज़ा एक नंबर गन है भाई साहब। उसके बाद ओम मैं उठाता, आपने मेरे किसी भी गेम प्ले में देखा होगा, पर उठाई हुई चलाई कभी नहीं होगी, तो मैंने बोला चलो आज के गेम प्ले में चला लेता हूँ। तो भाई साहब ओम मेरे हाथ में जब आ जाते, तो ऐसा समझ जाना कि ओम में अगर आप मैंने हैक लगा के ऑटो हेडशॉट वाला हैक लगाया, तो वो भी भाई वर्क नहीं करेगा मेरे इस गेम प्ले के अंदर। तो भाई साहब इतनी गंदी ओम चलाता हुआ आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि भाई क्या ही करे मतलब खेला हुआ नहीं होता यार ओम से। तो यहाँ पर मुझे एक बंदे के साउंड आ रहा था, भाई साहब क्या ही जा रहा था उस घर में। तो जैसे दरवाज़ा खुला भाई साहब, वो भाई साहब नौ फूक पड़ा हुआ सीधे घर में पहुँचा, और यहाँ पे ओम से मैंने इसे फिनिश कर दिया। अब बात इसके टीममेट, तो यहाँ पे मैं इसके टीममेट को ढूंढ रहा था कि भाई साहब ये अकेला तो कहीं खुले में घूटता हुआ नहीं पड़ रहा होगा। तो अब बात इसकी टीममेट की, तो यहाँ पे मैं मुझे कोई मिला नहीं, इतने में यहाँ पे मैं खुले से जा रहा था, तो भाई साहब एक ने तो कहते DP चला दी। तो भाई साहब एक बगर मैं और खुले से जाता तो ये मेरे तीतर भर देता, इतने में मैं हेल्थ क्या मारने लगा भाई साहब, इसे इतना बुरा लगा कि वो भाई नेट कुक करने लग गया। तो भाई मैं सीधे भागा बगल वाले घर पे आए। तो भाई नेट तो उसने काफ़ी तगड़ा करा, वो तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया। उसके बाद भाई खुले से आए इसे भर दिया, और ये बॉट भैया जी है जो इसे भी मार देते हैं, और भाई साहब काफ़ी सही KD बना देते हैं बॉट जब भी मिलते हैं। तो इतने में भाई साहब मार दिया मैंने इस टीम को, जो काफ़ी दो ही मेंबर थे इस टीम के। तो इतने में जब मैं आगे जा रहा था, तो यहाँ पे भाई साहब ओम थी मेरे पास सस्ती ओम, जो मैंने एक को मारा भाई हिट हुआ, पर भाई किल मुझे मिला नहीं। तो यहाँ पे जो दूसरा बंदा था या बॉट था जो भी, इसी का भी हमने काफ़ी इजीली धुआं बना दिया। तो इतने में मुझे यहाँ पे बग्गी का साउंड आता है। अब बारी थी ग्रोज़ा के सस्ते स्प्रे की, भाई साहब बग्गी इतने तरीके से पकड़ा था कि सस्ता स्प्रे बस 2 से 3 बुलेट कनेक्ट हुआ, पर जो कनेक्ट हुआ भाई साहब के क्या ही कनेक्ट हुआ, तो ये आगे जाके घर में रुक गया। तो मैं सीधे चले गया इस पर रस करने। तो यहाँ पे भाई साहब मैं कवर से उतर ही जा रहा था कि भाई कोई पीछे से ना भर दे। तो इतने में भाई साहब एक गाड़ी देख रहे हो, वो देखो बग्गी वाला काफ़ी तेज़ी भगाते हुए सीधे स्क्वाड हाउस की तरफ को जा रहा है। तो मैं इस पर रस करने चले गया, भाई साहब गेम प्ले बनाना है तो किल तो भाई ज़रूरी है।
तो इतने में जब आ ही रहा था तो भाई मैं यहाँ पे कवर में आता हूँ, देखना यहाँ पे एक गाड़ी भाई साहब चर्च से आ रही है जिसमें होते हैं दो बंदे। तो ये भाई साहब क्या ही मतलब रिफ्लेक्स दिखा रहा होता हूँ यहाँ पे मैं कवर में रह के, एक को नॉक कर देता हूँ एक बंदे को, और दूसरा बंदा घर के कॉर्नर में चले जाता है। और भाई साहब ये रिवाइव होने जा रहा था, उससे पहले हम इसे ख़त्म कर देंगे। ख़त्म करने के बाद अब भाई साहब सीधे बारी कवर में रह के फाइट लेने की, क्योंकि भाई साहब वो स्क्वाड हाउस वाला बंदा भी खुले से मार सकता है। तो यहाँ पे कवर में आके भाई साहब मेरे पास सस्तियों में जो हैक लगा रखा है हेड शॉट का, पर वर्क कभी नहीं कर रहा है। तो गलती से भाई साहब ये सस्ता बॉडी शॉट पड़ जाता है इसे, पर भाई साहब ये नॉक होता नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों एक बॉट या बंदा जो भी होता है यहाँ पे लूटने आ रहा होता है, तो भाई साहब इसे भर देते हैं और किल भी फिनिश कर देते हैं। भाई साहब किल तो भाई किल फिनिश करना ज़रूरी है। तो एक बॉट भाई साहब इसे क्या ही मतलब उस बंदे को मैंने मारा, तो भाई साहब खुले से आ रहा था। अब बारी यहाँ पे उस बंदे की जो भाई साहब एक बॉडी शॉट पड़ा था जिससे ओम का, बारी से फिनिश करने की भाई साहब मैं क्या ही मार ही रहा था, पर काफ़ी लेट हो गया मैं। और भाई साहब वहाँ पे एंगल भी इतना छोटा था कि भाई साहब मेरा हैक भी काम नहीं करता बिल्कुल। तो अब बारी है भाई साहब यहाँ से ऊपर से एंगल बना के मारने की, और यहाँ पे मेरे पास ओम की काफ़ी ज़्यादा बुलेट पड़ी है, तो यहाँ पे थोड़ी एक आध बुलेट दोस्तों वेस्ट कर लेंगे। तो भाई साहब ये क्या ही हो रहा है, मतलब इस बंदा पता नहीं कौन सा हैक लगा के आया है कि भाई साहब मर ही नहीं रहा है। एक पिछले बार भी मैंने इसे ओम का मारा बॉडी शॉट, पर भाई नॉक हुआ नहीं। अब नॉक होने के बाद भाई पाँव में लगा, मतलब भाई फैल तो बिल्कुल होगी नहीं। तो इतने में दिखा वो मुझे कॉर्नर से दिख गया, भाई साहब एक बुलेट टच हुई और मर गया। तो भाई मरना ही था क्योंकि ओम की कनेक्ट काफ़ी ज़्यादा पहले हो चुकी थी। अब बारी इसके टीममेट की, तो मुझे लगा यहाँ पे इसका एक ही बंदा होगा, तो मैं डायरेक्ट रश कर देता हूँ, क्योंकि मुझे भाई साहब यहाँ पे दो ही बंदे दिखे थे जिसमें से एक को मैंने कतई भर दिया, और बारी दूसरे बंदे की। तो भाई साहब क्या ही मैं स्प्रे मारता हुआ जा रहा हूँ, तो भाई दूर से सप्रेसर वाला स्प्रे मुझे पड़ता है, पर मुझे भाई साहब यहाँ पे पता चल जाता है अब यहाँ पे बचे हैं दो बंदे जो इसी का टीममेट है। ऊपर से भाई साहब ये बॉट जब मिलते हैं ना भाई मज़ा आ जाता है, क्या ही मतलब क्या ही केडी बना देते हैं एक तरफ ही। तो यहाँ पे अब बारी उन बंदों की, तो भाई साहब पहले मैं नेट कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे एक ही बंदे का साउंड आ रहा था, और जो दूसरा बंदे का साउंड था वो शायद स्क्वाड हाउस के बगल वाले घर के पीछे साइड से आ रहा था। यहाँ पे मैं एक नेट की मारने की ट्राई करता हूँ, पर नेट होता नहीं क्योंकि भाई साहब सस्ता नेट है, कभी भी काम करेगा नहीं। तो बारी यहाँ पे दोस्तों एक स्मोक करके जाने की, क्योंकि भाई साहब मेरे पास एमओ देख रहे हो, एमओ बिल्कुल भी नहीं बचे ग्रोजा पे, तो भाई साहब एमओ उठाना भी ज़रूरी है गेम प्ले से भाई, क्योंकि धुआं भर देंगे एक तरफ भाई। तो यहाँ पे भाई साहब मैं वेट करता हूँ काफ़ी, जब धुआं 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 होगा तब सीधे हम जाएंगे। तो सीधे जब मैंने यहाँ पे लूट ही रहा था भाई साहब, बंदों का सीधे रस हो जाता है यहाँ पे जब दो बंदे होते हैं, तो मैं भाई साहब स्मोक का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा हूँ, क्योंकि वो डायरेक्ट मेरे पे रस नहीं करेंगे जब मेरे पे स्मोक पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं एंगल बना के चेक करता हूँ कि बंदे कहाँ कहाँ पे, एक बंदा नीचे है और एक बंदा ऊपर, क्योंकि साउंड फुटस्टेप आ गए। तो एक तरफ से बंदा आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे नेड मार के साइड हो लिया, और भाई साहब यहाँ पे मुझे एक टिकटॉकर दिखा 100 RP वाला, तो भाई साहब ये टिकटॉकर, तो भाई साहब उसका टीममेट निकला। अब बारी भाई साहब मैं यहाँ पे काफ़ी अच्छे TPP प्लेयर था, और यहाँ पे मैं फ्री फायर देता हूँ बहुत ही तगड़ा, और मुझे पता था इस फ्री फायर में एक बंदा जरूर आएगा। मेरी भाई साहब पिंक क्या ही आ रही थी, भाई साहब हवा हवा में गोली चला दे रहा है। तो अब मैं यहाँ पे आप आता हूँ कॉर्नर पे, भाई साहब वो बंदा हो चुका है टिकटॉकर RP वाला पैनिक, तो इसी चक्कर में वो कूदा नीचे। तो भाई साहब बारी से तीतर भरने की, तो इसका भी भाई साहब हमने तीतर भर दिया। अब यहाँ पे हमारे हो चुके हैं 15 kill। अब बारी यहाँ से भाई धूम मचाले करते हुए यहाँ से हम जा रहे थे। तो ये भाई साहब दो बंदे गाड़ी में क्या ही कर रहे थे, मतलब तो मतलब एक तरफ ही गाड़ी चलाते हुए भाई साहब ये मेरे पीछे आते नहीं है, पता नहीं ऐसा क्या डर लग जाता है इन्हें, तो मेरे पीछे बिल्कुल भी आते नहीं है। तो वो बंदों को चेक करता हूँ, पर वो बिल्कुल भी आते नहीं है मेरे साइड। तो यहाँ पे मैं जब स्कूल के अंदर आता हूँ, तो यहाँ पे स्कूल में भाई साहब दो बच्चे पढ़ लेते हैं ऊपर, तो भाई हमने बोला 15 kill है, 16-17 भी बना देते हैं। तो इस बंदे को भाई पता भी नहीं चला ये कब नॉक हो गया। भाई मैं इसके फ्रेंड के फुटस्टेप ले रहा हूँ, क्योंकि अब ये गया उस कमरे में, मुझे लगा कि इसका टीममेट भी उसी कमरे में होगा, पर जब मैं यहाँ पे आया तो साउंड आ गया अगले वाले कमरे से। तो भाई ये बच्चा तो ये भी नॉक हुआ, भाई साहब मुझे पता नहीं चला कि भाई क्या ही हो रहा है यहाँ पे, बस बंदे नॉक हो रहे हैं, इसके टीममेट टोटल मिल नहीं रहे। तो बारी थी भाई 16-17 करने की, यहाँ पे हम 16-17 करते ही अब भाई साहब बारी यहाँ से निकलने की जोन में जाते हुए। तो पर बहुत देर से मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि भाई एक बंदे की M24 से चलाया जा रहा था भाई साहब कितनी गोली है इसके पास, मेरे समझ में नहीं आ रहा, और उसे कोई फिनिश भी नहीं कर रहा था। अब मैं यहाँ पे आया तो मुझे स्पॉट हो गया कि वो पेड़ के पास बैठा हुआ है। तो भाई सस्ता ओम हैक लगाया हुआ, आप देखते हैं इसे। तो भाई क्या ही मतलब रिच वाले को मार रहा था मेरे ख्याल से M24 काफ़ी देर से। तो भाई साहब ऊपर वाले जो थे वो गाड़ी वाले निकल नहीं रहे थे M24 की वजह से। अब मैंने ऊपर वालों का काम आसान कर दिया, वो काफ़ी इजीली आ जाएंगे। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे रश कर देता हूँ। अब यहाँ पे भाई बंदों का फुट स्टेप तो आ ही रहा था, और यहाँ पे पीछे भी बंदों की फाइट चल रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पे किसे मारूं पहले। इतने में दोस्तों एक भाई साहब गाड़ी वाला बैठ गए सिंगल बंदे से, तो मैंने बोला गाड़ी वाले भाई साहब इतनी दिक्कत मांग रही है, डायरेक्ट मैं मार देता हूँ। मैंने गाड़ी में जो स्प्रे मारा भाई साहब कभी कनेक्ट होता भी नहीं भाई साहब,
M4 होती तो एक बात अलग थी भाई, ग्रोजा में तो भाई मुश्किल ही है, और iPad में भाई साहब देख ही रहे हो फुल जायरो में काफ़ी दिक्कत आती है। मैं यहाँ पे आके पोजीशन लेता हूँ कि क्योंकि गाड़ी वाले मुझे ना मार पाए, तो एक भाई साहब सांप वाला, सांप का बच्चा भाई साहब मुझे दिखा भी नहीं। इतने दोस्तों सांप का बच्चा का दोस्त आ गया, काफ़ी सांप का दूसरा बच्चा, तो देखना पे मैं हेल्थ भी मार नहीं दी इसने और डेथ में रश कर देता है। तो मैं फ्री फायर से भर देता हूँ, उसका टीममेट भी भाई साहब मतलब क्या ही पीछे पड़ गए सर। अब यहाँ पे मेरी पहुँच जाती है 20 HP। अब मैं यहाँ पे करता हूँ दरवाज़ा बंद और सीधे ऊपर पहुँच जाता हूँ, और सबसे पहले फर्स्ट एड लगाऊंगा। ये डायरेक्ट मेरे पे रस ना कर पाया क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा इसे उलझा चुका हूँ कि इसे पता नहीं चला होगा मैं कहाँ पे बैठ गया हूँ। तो यहाँ पे मुझे इसकी पोजीशन पता है, यहाँ पे मतलब जो भी गैराज वाला कमरा होता है उसमें बैठा है, और मुझे आगे वाले कमरों से भी फुटस्टेप आ गए थे जब मैं यहाँ पे आया था, क्योंकि गाड़ी वाले बंदे यहाँ पे आ चुके थे। तो यहाँ पे जब मैंने किल फील्ड में देखा कि एक ओम का शॉट चला है और भाई कोई नॉक हो गया, तो मुझे लगा मेरे बगल वाला घर वाला नॉक हो गया होगा। तो जैसा मैंने सोचा वैसा ही है, पर यहाँ पे मिस्टेक ये हो गई थी, सबसे पहले मुझे नॉक वाले को मारना था, जिससे मेरे 2 किल आराम से हो जाते यहाँ पे और ज़्यादा हो जाते। पर कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, चल ही रहा है, ठीक ही चल रहा है। इतने में मैं जंप मारता हूँ भाई साहब, जोन भी आने वाला है तो भाई कुछ इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा। तो इतने में मुझे फुटस्टेप आ जाते कि बंदा नीचे से भाग के भागते हुए आ रहा है, तो इसे भी लॉबी पहुँचा दिए यहाँ पे दोस्तों। अब बारी यहाँ पे आगे बंदे की, तो पहले मुझे यहाँ पे एक ही बंदा लगता है, मतलब लगता है एक बंदा नहीं, मतलब एक बंदे की पोजीशन बताते हैं जो सामने से स्नाइपर या M24 से मार रहा है या ओम जो भी है इसके पास। भाई साहब ये शॉट तो कनेक्ट होना चाहिए था भाई साहब, देख सकते हो कनेक्ट बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पे कहते कोरा ही कोरा कर देता हूँ मैं, क्योंकि पीछे से आ रहा है जोन और सामने है बंदे। तो यहाँ पे मुझे एक ही की पोजीशन पता थी और दूसरे की पोजीशन मुझे खुद ही वो रिवील कर देगा। तो यहाँ पे मुझे एक फायर आने लगे, वो है पेड़ के पास से। पेड़ के पास से दोस्तों मुझे पता चल गया एक काफ़ी तगड़ा स्पॉट है। दूसरा ग्लीसू काला यहाँ पे आया और सांप बन गया भाई साहब, दिक्कत है हरा भरा सांप तो मुझे दिखा भी नहीं। तो इतने में मैं पेड़ के पास स्मोक कर देता हूँ क्योंकि भाई साहब मैं अपना एंगल बनाऊँ, और सबसे भाई अगर मैं सीधे जाऊँगा उस गिली सूट को मारने की तो मार नहीं पाऊँगा क्योंकि वो कवर में लेटा है और उसका टीममेट भी भाई साहब पेड़ के कवर में लेटा हुआ है। तो इसलिए सबसे पहले मुझे पेड़ वाले को मारना पड़ेगा, जिससे अगर मैं पेड़ वाले को मार दूंगा तो मेरे पास पेड़ का कवर होगा, जिससे मैं गिली सूट, ओ भाई साहब क्या ही टप्पा खाता हुआ एक भाई साहब नेड़ आया, तो मेरी 10 से 20 HP इसने स्मिश कर दी। और भाई साहब वो तो हाथ में अच्छा भाई ग्रोजा थी और भाई साहब क्या ही मॉली पड़ी यहाँ पे मेरे भाई साहब 10 HP बच चुकी है। अगर भाई साहब फुड़ता हुआ हवा भी आएगी ना तो मेरा टीममेट सीधे लॉबी पहुँच जाएगा। तो इतने में दोस्तों भाई साहब हेल्थ उल्ट मारता हूँ मैं, आराम से रिलोड करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। इसका जो गिली सूट वाला है मुझे पोजीशन पता है वो, क्योंकि वहाँ पे लेटा हुआ मैंने पीछे देख लिया था। तो वहाँ पे दो सस्ते वाले नीड मारता हूँ कि भाई साहब कुछ डायरेक्ट फिनिश हो जाए नीड से। तो बारी भाई साहब इसकी, अभी काफ़ी तड़प रहा होता है तो मैंने बोला चल भाई चले जा, क्या ही मतलब क्या ही दिक्कत हो रही है। तो अब बारी थी यहाँ पे गिली सूट वाले की, तो भाई साहब हल्का सा स्पॉट होती, मैंने रैंडम फायर मारा और सीधे कनेक्ट हो गया। तो चलिए फ्रेंड आज की वीडियो पे इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।